हम जिंदगी के छोटे बड़े हालातों में, परीक्षाओं में जब डगमगा जाते हैं या उत्तीर्ण नहीं हो पाते, तब हम सबसे पहले गलती भगवान की डाल देते हैं। आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? आपकी सृष्टि के वजह से हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो यही है आज की कविता का शीर्षक, ये कैसी तेरी सृष्टि। तो आइए सुनते हैं इस कविता को और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न के जवाब में भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये कैसी तेरी सृष्टि, ख्वाब है पर पूरा नहीं होता, ख्वाहिश है पर हौसला नहीं मिलता, दिल है पर मोहब्बत नहीं करता, आंखें हैं पर सच नहीं दिखता, परिवार है पर प्यार नहीं बांटता, संसार है पर सार नहीं मिलता, दर्पण है पर मन नहीं दिखता, धड़कन है पर महसूस नहीं होता। ये कैसी तेरी सृष्टि, ये कैसी तेरी रचना, जिनको तूने बनाया और तुझी को विश्वास नहीं करता। कृष्ण बोले, यूं तो मैंने पूरा ब्रह्मांड रचा है, पर सभी सृष्टियों से श्रेष्ठ मनुष्यों को गढ़ा है। पास के सुख को छोड़ अनदेखे दुख से डरता है, मजबूत जमीन को छोड़ हवा में कूदता है, तेरा जीवन तेरे कर्मों का बही खाता है, फिर भी तेरे आंसू देख मेरा मन पिघल जाता है। पूरी सृष्टि के साथ मैं हमेशा नियम से चलता हूं, पर वक्त आने पे तेरे लिए मैं नियम भी तोड़ता हूं। अधूरे ख्वाबों की वजह से तू दुखी है, पर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लगन जरूरी है। घर परिवार से तू खुश नहीं, पर प्यार पाने के लिए प्यार देना जरूरी है। मैंने इंसान को कुछ ऐसा बनाया है, अपनी मेहनत से उसमें कुछ भी पाने की क्षमता है। मेरी सृष्टि में कोई खोट नहीं है, पर मैं क्या करूं, तू मैली चादर ओढ़ के बैठा है। जब भी तू शिद्दत से कुछ चाहेगा, मेरी पूरी कायनात से तू मदद पाएगा। कुछ पाने की चाह हो तो लगन कर, जो तेरे पास है उसे कदर कर, जो कर सकता है वो कर्म कर, अच्छे गुणों को पालन कर, सच देखना हो तो गुरु को शरण कर। तू देख मेरी तरफ दो कदम बढ़ाकर, चार कदम मैं आऊंगा तुझ तक चलकर, चलकर, चलकर। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।